नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। आपातकाल के हीरो रहे और समाजवाद की अलग जगाने वाले समता पार्टी के संस्थापक और अटल सरकार में रक्षा मंत्री रहे पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस नहीं रहे। जॉर्ज फर्नांडिस ने मंगलवार सुबह 7 बजे दिल्ली के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। जॉर्ज फर्नांडिस का 88 साल की उम्र में निधन हुआ। जॉर्ज फर्नांडिस पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। बीमार होने की वजह से ही वो सार्वजनिक जीवन से दूर थे। अपने लंबे राजनीतिक करियर में उन्होंने रक्षा उद्योग जैसे कई महत्वपूर्ण मंत्रालय का जिम्मा संभाला था। जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़ी हस्तियों ने दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि जॉर्ज साहब ने भारत के बेस्ट राजनीतिक लीडरशिप की अगुवाई की और उनका योगदान काफी अहम रहा। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक योगदान रहा है। रक्षा मंत्री रहते रक्षा क्षेत्र में उठाए गए बड़े फैसले हो या फिर आपातकाल के दौरान अपनी आवाज बुलंद करने का मुद्दा रहा हो, जॉर्ज फर्नांडिस ने हमेशा ही आगे बढ़कर इसका नेतृत्व किया। जॉर्ज फर्नांडिस की अगुवाई में 1974 में हुई रेलवे हड़ताल को सबसे बड़ी हड़ताल के रूप में देखा जाता है। जॉर्ज के नेतृत्व में हुई इस हड़ताल ने केंद्र सरकार की नींद उड़ा दी थी और हड़ताल से सरकार घबरा गई थी। यही नहीं, आपातकाल के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस काफी सक्रिय रहे थे। इमरजेंसी हटने के बाद वो राजनीति में कूदे और जेल में रहते बिहार के मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड मतों से जीते भी। आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी और कांग्रेस सरकार को हराने के बाद जब केंद्र में मुरारजी देसाई की अगुवाई में सरकार बनी तो मंत्री बने। यही नहीं, इसके बाद बीजेपी के सहयोग से बनी वीपी सिंह की सरकार में भी वो रेल मंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी तो जॉर्ज फर्नांडिस को रक्षा मंत्री का महत्वपूर्ण पद दिया गया और अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें एनडीए का संयोजक भी बना दिया, जिन्हें जॉर्ज फर्नांडिस ने बखूबी शानदार तरीके से निभाया। और सरकार से किसी को कोई नाराजगी होती वो जॉर्ज से मिलता था और वो ही उस समस्या का समाधान करते थे। 3 जून 1930 को मैंगलोर में पैदा हुए जॉर्ज फर्नांडिस 9 बार लोकसभा के लिए चुने गए और अपने संसदीय जीवन में वो संसद की कई कमेटियों के मेंबर रहे और कई महत्वपूर्ण विचार दिए। लेकिन जीवन के सत्य को कौन टाल सकता है, जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना ही है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि एक निडर, साहसी और दूरदर्शी, हमेशा हाशिए पर रहने वालों की फिक्र करने वाला नेता नहीं रहा।